हेलो फ्रेंड्स, ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान कृषि के महत्व पर। ठीक है, राजस्थान कृषि का महत्व एक्चुअल में क्या है, महत्व के साथ साथ राजस्थान कृषि से जुड़े हुए जो डाटा हैं उन पर अपन आज बात करने वाले हैं। और ये अपने एग्जाम जो हो रही है, अभी रिसेंट जो भी एग्जाम हुई है उनमें डाटा से संबंधित क्वेश्चन की जो प्राथमिकता है वो सबसे ज्यादा रही है। ठीक है, तो अभी अपन बात करने वाले हैं राजस्थान कृषि के महत्व पर। आप साथ बने रहिए, ठीक है, और इन्हें अच्छे से याद कीजिए। सबसे पहले अपन आते हैं राजस्थान की कुल जनसंख्या। जनसंख्या का 75%, ठीक है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 75% कहां निवास करता है, गांवों में निवास करता है। राइट, ठीक है। और नेक्स्ट है कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका करीब 62%, ठीक है, रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर करता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर अपन लेकर चलते हैं राजस्थान में कृषि के संदर्भ में कुछ डाटा, तो देखो अपना जो राजस्व विभाग है, आप जानते ही हैं ये अजमेर में है। राजस्व विभाग राजस्थान का रिपोर्टिंग एरिया जारी करता है। ठीक है, रिपोर्टिंग एरिया और ये राजस्थान का जो रिपोर्टिंग एरिया है ये 2015 और 16 के जो नवीनतम डाटा है अपन उनकी बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग एरिया है 342.67 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये रिपोर्टिंग एरिया है। अब 342.67 लाख हेक्टेयर में से कृषि जो क्षेत्र है वो कितना है, तो इसमें से 52.60% क्षेत्र ऐसा है जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो जाता है 52.60%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि इस भूमि में से या जो इतना जो अपना रिपोर्टिंग एरिया है राजस्थान का, इसमें से अपनी 11.37% जो क्षेत्र है, अपना जो 11.37% जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जो कृषि योग्य है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का प्रतिशत है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि एक्चुअल में क्या है, 11.37% है। इसके अतिरिक्त 6.99% राजस्थान में ऐसी भी है जो क्या है, बंजर भूमि के अंतर्गत काउंट होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो डाटा है 52.60%, ठीक है, ये बदलते रहते हैं। ये एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा हुआ है कि राजस्थान में कृषि का एरिया है वो लगभग कितना है। तो अगर अपन ओवरऑल राजस्थान की बात करें, ये तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, तो कितना क्षेत्र राजस्थान में कृषि भूमि के अंतर्गत आता है, कितना प्रतिशत, तो 60-70% ऐसा एरिया है राजस्थान का टोटल कृषि, राजस्थान के क्षेत्रफल का, जो किसके अंतर्गत काउंट होता है, कृषि भूमि में काउंट होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात हो जाती है राजस्थान में कृषि क्षेत्र से संदर्भ में। अब ये जो अपना कृषि क्षेत्र है ना, इसको अपन लेकर चलते हैं अपने भारत के संदर्भ में और फिर फसल विशेष के संदर्भ में। यार एक तो ये खांसी नहीं जा रही मेरी, आप कमेंट में इसका इलाज जरूर बताएं कि अच्छा देसी घरेलू इलाज है। ठीक है, अब आते हैं अपने राजस्थान में कृषि को लेकर। अपना जो राजस्थान है, राजस्थान कृषि क्षेत्र जितना भी था, अभी अपन ने बात की कृषि क्षेत्र जो है वो राजस्थान कृषि क्षेत्र भारत के कुल कृषि क्षेत्र का 11% है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि
कृषि क्षेत्र का 11% है। अगर पूछे कि राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का कितना है, तो देख लेते हैं कि राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का, ठीक है, मात्र 1.16% है केवल। ओके, अब ये राजस्थान में विकट स्थिति है। दूसरी बात, ये जो अपने कृषि क्षेत्र की ना, इसको अपन अपने राजस्थान की फसलों के संदर्भ में ले चलते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक कृषि क्षेत्र के कौन सी फसलों के अंतर्गत काउंट होगा अपने राजस्थान, क्योंकि द्विफसली प्रारूप में आता है, तो राजस्थान में एक तो होता है खरीफ और एक होता है रबी, ठीक है। अब आप सोचिए और बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत काउंट होगा। जो भी आप सोच रहे हैं, आप अभी मुझे नहीं बता सकते, लेकिन आने वाले समय में जल्दी अपन लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है वो आता है खरीफ की फसलों के अंतर्गत, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र आता है खरीफ में, और कितना आता है, करीब 65% खरीफ की फसलों के अंतर्गत आता है। अब रबी के अंतर्गत कितना आ रहा है, रबी के अंतर्गत आ रहा है 35%, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब अपने राजस्थान में जो फसलें बोई जाती हैं मुख्यतः, उनमें होती हैं खाद्यान्न फसलें, ठीक है। इसके अलावा तिलहन, और फिर होती है अपनी व्यापारिक, ठीक है, खाद्यान्न तिलहन व्यापारिक, और एक मान सकते हैं बागवानी। ये मुख्यतः प्रोडक्ट या उपजें दी जाती हैं। अब खाद्यान्न किनको कहते हैं, खाद्यान्न कहलाते हैं अनाज एवं दलहन मिलकर क्या कहलाते हैं, खाद्यान्न कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनाज दलहन मिलकर बनाएंगे खाद्यान्न। अब इनको सोचो कि राजस्थान, अगर इन चार फसलों को लेकर चलते हैं अपन, तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में इनमें से कौन सी फसलें ली जाती है, तो आप सोचेंगे तो आपको निश्चित रूप से पता लगेगा कि राजस्थान में खाद्यान्न फसलें ही सर्वाधिक बोई जाती है, ठीक है। अब इन फसलों से जो क्षेत्र है ना कृषि का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको मैं यहां पे लिखता हूं। ठीक है, तो सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलें, ठीक है, बोई जाने वाले सर्वाधिक क्षेत्र पर, एक्चुअल में इस तरह से लिख देता हूं, सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसलें, ठीक है, और वो होती हैं खरीफ फसलें। अभी जस्ट अपन ने बात करी खरीफ फसलें, ठीक है। अब खरीफ में सर्वाधिक, या ये सेम क्वेश्चन रह जाएगा, सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलें, और आंसर आ जाएगा खाद्यान्न फसलें, ठीक है। खाद्यान्न मैंने आपको बताया था, दो को इंक्लूड करके खाद्यान्न बनता है, एक होता है अपना अनाज जिसको सेरल्स कहते हैं, और एक होता है अपना दलहन जिसको अपन पल्सेस कहते हैं, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलें वो कौन होती हैं, अनाज, ठीक है, अनाज सर्वाधिक बोए जाते हैं। अब ऐसे पूछे कि अनाजों में सर्वाधिक बोया जाने वाला कौन भाई, खरीफ अनाज, ये खरीफ अनाज सर्वाधिक बोया जाता है समस्त अनाजों में, ठीक है। अब खरीफ अनाज में सर्वाधिक कौन बोया जाता है, खरीफ अनाजों में सर्वाधिक ये होता है, आप जानते हैं, मोटे अनाज, ठीक है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र किन अनाजों के अंतर्गत आता है, मोटे अनाजों में आता है, ठीक है। खरीफ अनाजों में सर्वाधिक मोटे अनाज, और यहां तक कि रबी अनाजों में भी सर्वाधिक कौन बोए जाते हैं, मोटे अनाज। नेक्स्ट अगर बात आ जाए कि मोटे अनाजों में सर्वाधिक
बोई जाने वाला, बोया जाने वाला अनाज, ठीक है। और वो कौन होगा? वो होगा बाजरा। बाजरा। अब ना अगर ओवरऑल भी कोई क्वेश्चन है ना कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल बोई जाती है, तो ऑप्शन आपको मिले गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, तब आपको क्या आंसर देना होगा? बाजरा, ठीक है। ओवरऑल भी तो सीधा लिख देता हूं, समस्त उपजों में, उपजों में, ठीक है, ध्यान रखना, समस्त उपजों में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल, तब भी आंसर क्या होता है? बाजरा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, ये बात हो गई फसलों के संदर्भ में, याद रखेंगे। साथ ही में आप इनको अगर नोट करते हैं ना तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि ये आपको फिर याद हो जाने वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, अब आगे अगर बात करें कि इस कृषि क्षेत्र की जो अपन ने बात करी है, इस कृषि क्षेत्र को ना अपन ले चले जिला वाइज। अभी तो अपन ने फसल पर बात की थी, अब अपन बात करें जिला वाइज, ठीक है। जिला वाइज का मतलब किस जिले में सर्वाधिक कृषि भूमि, किस जिले में न्यूनतम कृषि भूमि, इस तरह से, ठीक है। आते हैं अपन, देखो ठीक है, अब जिला वाइज जो कृषि क्षेत्र है वो बात करते हैं। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र, ठीक है, ये आपको मिलेगा बाड़मेर में, राइट। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र बाड़मेर। ओके, अब ये जो कृषि क्षेत्र है ये किसके आधार पर है? क्षेत्रफल के आधार पर ही है, ध्यान रखना। अगर इसको अगला प्रतिशत में पूछना चाहेगा ना तो वैसे लिखेगा भी कि प्रतिशत में सर्वाधिक कृषि भूमि किस जिले में, प्रतिशत का मतलब जिले के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर। तो उसका भी आंसर कर लेते हैं कि जिले के क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कृषि भूमि, और यह आंसर होता है चूरू, ठीक है। चूरू जिले का 70% क्षेत्र ऐसा है जो किसमें आता है? कृषि भूमि में आता है, राइट, याद रखेंगे। अब ये तो हो गई सर्वाधिक, अब बात करते हैं न्यूनतम, न्यूनतम कृषि क्षेत्र, न्यूनतम कृषि क्षेत्र यह आपको मिलता है राजसमंद, राजसमंद में न्यूनतम कृषि क्षेत्र राजसमंद, ठीक है। आगे चलें, अब प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम कृषि क्षेत्र, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जिला होता है अपना जैसलमेर। जैसलमेर में मात्र 8% भूमि ही क्या है? कृषि भूमि है, बाकी यहां सारी व्यर्थ भूमि है, ध्यान रहे, ठीक है। अब कृषि भूमि आ गई है तो सिर्फ इसको अपन व्यर्थ भूमि में भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि, आपको पता लग रहा है जैसलमेर में क्या है? न्यूनतम कृषि भूमि, तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहां मिलेगी? जैसलमेर, ठीक है। अब एक तो होता है कृषि भूमि और व्यर्थ भूमि, एक होता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। एक्चुअल में क्या होता है कि भूमि ऐसी है कि जहां पे कृषि तो हो पा रही है, हो सकती है एक्चुअल में, लेकिन वो ना किन्हीं भी कारणों से व्यर्थ पड़ी है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कह देंगे? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक है। तो सर्वाधिक कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ये आपको मिलेगी चूरू में। कारण रहता है कि चूरू में कृषि भूमि सबसे ज्यादा है प्रतिशत के आधार पर, बट ऐसा है कि कुछ संसाधनों की कमी है, जल की कमी है, तो उस वजह से वहां पे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, ये तो बात हो गई कृषि क्षेत्रों पे। अब न्यूनतम व्यर्थ भूमि कहां मिलेगी? न्यूनतम व्यर्थ भूमि वो
वो आपको मिलेगी गंगानगर में। ठीक है, एक बात की थी अपन न्यूनतम कृषि क्षेत्र राजसमंद, तो राजसमंद में कृषि क्षेत्र न्यूनतम होने का क्या कारण है? ठीक है, राजसमंद बहुत ज्यादा छोटा जिला भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले कई और छोटे जिले हैं। आप एक्चुअल में जानते हैं धौलपुर, ठीक है, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला बना हुआ है, वहां पे कृषि भूमि का औसत या प्रतिशत ज्यादा है राजसमंद की तुलना में। तो ऐसा क्या कारण है कि राजसमंद में कृषि क्षेत्र कम रह गया है? तो उसका भी एक कारण है क्या कि सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि, सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि की अगर आप बात करते हैं तो आपको मिलता है ये आंसर राजसमंद। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक्चुअल में व्यर्थ पठारी भूमि सर्वाधिक कहां पर है? राजसमंद में है। ओके, और इस वजह से कृषि क्षेत्र क्या रह जाता है? राजसमंद में कम रह जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात हो गई कृषि क्षेत्र पर फसलों के संदर्भ में और जिलों के संदर्भ में। अब लेकर आते हैं राजस्थान में अपन सिंचाई से संबंधित जो डाटा है उनको। ठीक है, बात करने वाले हैं अपन सिंचाई, फसलों से संबंधित ही रहेगा क्योंकि अपन डायरेक्ट सिंचाई परियोजनाओं पर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, इसको फसलों से रिलेट करके पढ़ेंगे। राजस्थान में जो कुल कृषि भूमि है ना, कुल कृषि भूमि, ठीक है, इसका लगभग 30% क्या है? सिंचित है। लगभग 30%, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये जो कुल सिंचित भूमि है, ये भारत की सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत है? तो भारत की कुल सिंचित भूमि का 9.2% राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत की कुल सिंचित भूमि का 9.2% कहां मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, अब एक खास बात है, राजस्थान में वर्षा की प्रवृत्ति, राजस्थान में वर्षा की प्रवृत्ति कैसी, विशेषता क्या है? तो ये प्रवृत्ति है मौसमी, है ना। एक्चुअल में वर्षा की प्रवृत्ति क्या है? मौसमी। आप जानते हो क्योंकि मौसम जिस प्रकार से कभी भी बदल जाता है, वैसे ही अपने राजस्थान में वर्षा का जो एवरेज है वो सदैव समान नहीं रहता है। ठीक है, और इसी वजह से मौसमी प्रवृत्ति के कारण ही राजस्थान की कृषि को, यहां तक कि भारत की कृषि को भी अपन क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं, राइट ना। ठीक है, तो वर्षा की प्रवृत्ति हो गई मौसमी, और इसी मौसमी प्रवृत्ति के कारण ही राजस्थान को विकसित करने होते हैं सिंचाई के साधन। और राजस्थान का जो एवरेज रेनफॉल है ना, वो भी क्या रहता है? कम ही रहता है। एवरेज रेनफॉल की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में वर्षा का औसत क्या है। राजस्थान में वर्षा का औसत, राजस्थान को विभाजित करो दो भागों में, पश्चिमी जो राजस्थान है यहां वर्षा का औसत रहता है 310 mm, पूर्वी जो भाग है यहां वर्षा का औसत रहता है मात्र 704 mm, ओवरऑल राजस्थान का जो औसत है वो है 575 mm। ठीक है, इसको आप सेंटीमीटर में भी शो कर सकते हो, 31 सेमी, लगभग 70 सेमी और 57.51 सेमी या 57.5 सेमी। अब राजस्थान में वर्षा का औसत कम है और इस वजह से अपने को क्या करने पड़े हैं? सिंचाई के साधन विकसित करने पड़े हैं। ठीक है, अब सिंचाई के साधन को अपन लेकर चलते हैं जिला वाइज और फसल वाइज, राइट ना। सिंचाई, राज्य में सिंचाई का, राज्य में सिंचाई का सबसे बड़ा माध्यम, ठीक है, आप जानते हैं नलकूप,
ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है कुआं, ठीक है। थर्ड है नहरें और फोर्थ है तालाब अथवा झील। ये और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिंचाई का सबसे बड़ा माध्यम कौन है, तो आपका आंसर देना है नलकूप, राइट ना। अब ये तो हो गया सोर्स, ठीक है। अब इस सोर्स पर अपन जिला वाइज लेकर चलते हैं। सर्वाधिक, पहले तो डाटा देख लेते हैं, सर्वाधिक सिंचित जिला, सिंचित जिला ये क्षेत्रफल के आधार पर लेके चल रहे पहले, तो ये आंसर होता है गंगानगर, ठीक है। प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर है कोटा। कोटा की 95% कृषि भूमि सिंचित है। अब लेकर चले सर्वाधिक के बाद न्यूनतम, न्यूनतम सिंचित जिला, और न्यूनतम सिंचित जिला क्षेत्रफल एवं प्रतिशत दोनों के ही आधार पर है चूरू, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये सिंचाई हो गई जिला के माध्यम, जिलों पर आधारित। अब ये जो अपने सोर्स है ना, इनको अपन डिवाइड करते हैं जिला वाइज। देखिए नलकूप से सर्वाधिक सिंचित जिला, नलकूप से सर्वाधिक सिंचित जिला आंसर है अपना यहां पे जोधपुर वर्तमान में। ये डाटा बदल जाते हैं, अगर आप जयपुर सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वर्तमान में जोधपुर है, ठीक है। डाटा है सदैव एक से नहीं रहते हैं, कृषि भूमि बोया गया शुद्ध क्षेत्र भी चेंज होता रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचित जिला जोधपुर, कुआं से सर्वाधिक सिंचित जिला झालावाड़, ठीक है। नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला गंगानगर, तालाब से सर्वाधिक सिंचित जिला तालाब या झील, इनसे पाली, सेकंड उदयपुर, और अगर आप भीलवाड़ा सोच रहे पानी की जगह पहला, तो भीलवाड़ा थर्ड। याद रखना ये डाटा है सदैव एक से नहीं रहते, आपको गाइड में आज भी सर्वाधिक सिंचित जिला नलकूप से जयपुर मिल जाएगा, कुओं से भी जयपुर मिलेगा, नहरों से गंगानगर राइट है, और तालाब से आपको भीलवाड़ा मिलेगा। ये बहुत बहुत पुराने डाटा है, ठीक है, नहीं जो अपन ने शुरू में किए बात 2015-16 की जो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ओके, ये बात हो जाती है सिंचाई के माध्यम पर। ओके, अब है ना इस सिंचाई को अपन लेकर चलते हैं फसलों पर, और उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित फसल, सिंचित फसल आंसर है खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न, ठीक है। सर्वाधिक खाद्यान्न फसलें हैं, सॉरी सर्वाधिक सिंचित जो फसलें वो खाद्यान्न है, खाद्यान्नों में, खाद्यान्नों में सर्वाधिक सिंचित, सर्वाधिक सिंचित रबी खाद्यान्न, ठीक है। और रबी खाद्यान्नों में, खाद्यान्नों में सर्वाधिक सिंचित, सर्वाधिक सिंचित अनाज, अनाजों में सर्वाधिक सिंचित गेहूं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि खाद्यान्नों के बाद दूसरी सर्वाधिक सिंचित कौन है, तो तिलहन, तिलहन ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, ठीक है। और तिलहन में सर्वाधिक सिंचित कौन है, तो सरसों, तिलहन में सर्वाधिक सिंचित, सिंचित सरसों। ओवरऑल भी अगर बात करते हैं, डायरेक्टली पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कौन है, तो गेहूं और सेकंड है सरसों। ओवरऑल ये फर्स्ट नंबर पे और ये सेकंड नंबर पे,
ओके दोस्तों, ठीक है। ये कृषि के अपन ने क्षेत्र पर बात करी, कृषि के सिंचाई से संबंधित बात करें। आज इस वीडियो में इतना है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आने वाले हैं उस पर अपन बात करेंगे कृषि गणना पर, ठीक है। कृषि गणना पर अपन बात करेंगे और जानेंगे वो जो रिसेंट डाटा है उनके बारे में, ठीक है। दोस्तों आप वीडियोस को लाइक करते रहिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।